नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 69 में। मैं हूं आपके साथ अंकिता और बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। एम्बुलेंस में अपनी बेटी को इलाज के लिए सिवनी से जबलपुर आ रही मां रास्ते में हादसे का शिकार हो गई। सामने से आ रहे ट्रक ने एम्बुलेंस में जोरदार टक्कर मारी, जिसमें एम्बुलेंस में बैठे सभी लोग घायल हो गए। टक्कर मारने के बाद ट्रक चालक मौके से भाग निकला। राहगीरों ने घटना की सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद घायलों को मेडिकल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिसमें 50 वर्षीय दुलियाबाई की मेडिकल अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने मर कायम कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। बरगी थाने में पदस्थ रामकरण मिश्रा ने बताया कि सिवनी निवासी दुलियाबाई अपनी बच्ची को लेकर 108 एम्बुलेंस इलाज के लिए मेडिकल लेकर आ रही थी, तभी बहोरी पार टोल प्लाजा के आगे NH-34 पर एक ट्रक ने उन्हें टक्कर मार दी, जिसमें दुलियाबाई, उसकी बेटी और बेटा घायल हो गए। वहीं ड्राइवर कंडक्टर को भी चोटें आईं। दुलियाबाई की हालत गंभीर थी, जिसके चलते उसने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। जबलपुर से न्यूज 69 के लिए वाजिद खान की रिपोर्ट। एक सड़क हादसा हुआ है, 108 और 83 भरा तो ये क्या पूरा घटना है? हाँ, आज हमें सूचना मेडिकल कॉलेज जबलपुर से पवन वार्ड बॉय मेडिकल कॉलेज जबलपुर ने सूचना दिया कि श्रीमती दुलियाबाई चक्रवर्ती, पति मल्लू चक्रवर्ती, उम्र 50 वर्ष, निवासी आमा टोला थाना लखनवाला जिला सिवनी की, 108 एम्बुलेंस से अपनी लड़की को इलाज के लिए ला रही थी, तो टोल बहोरी पार टोल प्लाजा के आगे NH-34 पर एक ट्रक दुर्घटना में एम्बुलेंस और 108 का ट्रक दुर्घटना हो गई, जिसमें जो है वो घायल हो गई थी। उसके साथ में उसका लड़का भी था, वो भी एक लड़की और घायल हो गई थी। शायद 108 का एम्बुलेंस का ड्राइवर भी घायल हुआ था और उसका कंडक्टर भी, उनको चोटें आई थी और ये दुलियाबाई के इलाज के दौरान आज सुबह मृत्यु हो गई। बाकी घायलों का इलाज चल रहा है और आज हमको सूचना प्राप्त हुई तो मैं मर्ग पंचनामा कार्रवाई हेतु अभी यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। कार्यवाहक साउनी रामकरण मिश्रा, थाना बरगी जिला। इस खबर पर आपकी क्या राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।